तब डोरी खोल के मैं दिया पहले साफ पानी मारने का एसिड का गाड़ी है इसके लिए साफ पानी से पहले पूरा कप्पों में पानी घुमाने का कंपार्टमेंट में सब कंपार्टमेंट में फिर बाद में कास्टिक निर्मा पानी ये मार बाद में ये मिक्सचर है इसको ऊपर से डाला जाएगा ये ऊपर से इसे फेंका जाएगा सब कंपार्टमेंट में आगे आगे एसिड की गाड़ी है इसके लिए ऐसा ऊपर से मार रहे हैं नहीं तो दूसरे माल का आएगा लगता है तो थोड़ा मैं अंदर जाके कपड़ा मार देगा अभी थोड़ी देर में देख लेंगे आगे बढ़ो आप कर ले 200-300 रुपये के लिए क्या मदद करते हैं केमिकल का गाड़ी है ना इसके लिए अंदर जाना नहीं पड़ता बास आता है ऊपर से मार के कास्टिक निर्मा पानी मार ये कास्टिक है इससे हाथ जलते हैं पैर जलेंगे टकने हैं इसको अभी सर्फ के साथ कास्टिक मार के उसको एकदम क्लीन कर रहे हैं इसके बाद इस पर पानी मारा जाएगा इसमें और टैंक में दोनों में जो कास्टिक और सर्फ मिक्स है करके पाँचों ढकने ऐसा ही साफ किए जाते हैं ये गाड़ी के अंदर टैंक के अंदर आदमी अंदर घुस के फिर बाद में ऐसा हर कंपार्टमेंट में सफाई करते हैं इससे फिर सैंपल का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा आगे कास्टिक मारने के बाद वाल खोल दो वाल फिर पानी मारा जाता है एक एक कंपार्टमेंट में और उसके लिए पानी एकदम साफ पानी लिया जाता है वाल खोल दो वाल वाल खोलो नीचे से अभी ऊपर सरफ पानी मारने के बाद ये पानी बाद में ऐसा गिरा दिया जाता है मारता नहीं जब तक साफ पानी नहीं आएगा तब तक मारता जाना ये देखो ये तरफ का पानी है अब देखो पानी साफ हो गया कहीं भी एकदम साफ पानी है ये पाइप को ज्वाइन करके खाली पाइपलाइन में मारने के लिए ये है सरफ मार दिया है चुवा, ये चूहा है जो सिर्फ पाइपलाइन साफ करने के लिए है चालू कर मोटर पहले दिखा दिखा
पाँच नंबर की पाइपलाइन है, ये देखो पाइपलाइन साफ करने के लिए, ये देखो पाइपलाइन के अंदर से जो रस्ते ये सब बाहर निकाल देता है। इसी तरीके से हर एक पाइपलाइन साफ होएगी, अंदर पाइपलाइन में अगर कुछ रह गया हो तो इससे साफ होकर निकल आता है। हो जाने के फिर दिखा, ये देखो अब पाइपलाइन से पानी एकदम साफ आ गया है, साफ एकदम एकदम साफ पानी आना चालू हो गया। ये प्रोसीजर तब तक चलता है जब तक पाइपलाइन क्लीन ना हो जाए। अब गाड़ी सर्विस होने के बाद इसको सुखाने के लिए दूसरे पॉइंट पे लगाया जा रहा है। अभी गाड़ी सूखने के लिए इधर खड़ा कर दिए हैं, ये आम दिनों के लिए, बारिश में हमारा शेड है, बारिश में हम उधर गाड़ी लगा के वहाँ पर सुखाते हैं। अब धूप में ये गाड़ी सूख के फिर कपड़ा मार के क्लियर, गाड़ी सर्विस हो गया, कंपार्टमेंट क्लीन हो गया। अभी जो पानी अंदर है वो आदमी अंदर जाके साफ करेगा, सूखा कर देगा। धूप में खड़ी रहने से भी पानी सूख जाता है, पर फिर भी हम लोग कपड़ा मार के अच्छी तरह से गाड़ी एकदम ड्राइवर अंदर घुस के कपड़ा मार के गाड़ी सफ़ा कर देते हैं। हाँ जी, मेरा पानी नहीं सूखा, सूख गया और एक बार मार। यही प्रोसीजर सब कंपार्टमेंट में ऐसा ही होगा। एक मीटर पैर के इधर और एक पैर के इधर नीचे। अब देखो कंपार्टमेंट सूख गया है, कपड़ा मार दिया है सब। अभी इसको थोड़ा टाइम हवा लगने के लिए ऐसे छोड़ देंगे, जो थोड़ा बहुत होएगा वो निकल जाएगा, ऐसे ही सब कंपार्टमेंट सुखाए जाएंगे। मैं लखविंदर सिंह, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट का मेंटेनेंस सर्विस डिपार्टमेंट सब मेरे अंडर है। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आएगी उसकी जवाबदारी मेरी है, ठीक है। और बाकी
ये सर्विस सेंटर भी हमारा है, सब है, मैं खुद इधर ही रहता हूँ, ये काम सब मैं खुद करवाता हूँ। जो भी गाड़ियाँ आती है मेरी, मेंटेनेंस का हर एक काम यहीं पर, काम की कुछ भी है उसकी गारंटी हमारी है। सर्विस में अगर आप गाड़ी सर्विस चेक करेगा, किसी चीज़ का फॉल्ट लगेगा, उसकी जवाबदारी हमारी है। गाड़ी आप चेक कर सकते हो, एकदम नीट एंड क्लीन है।